जय हिंद दोस्तों, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ग्राउंड माउंट से रिलेटेड है। दोस्तों क्या होता है कि ग्राउंड माउंट को इंस्टॉल करने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि अगर मेरा एक भी टेबल का एक भी कॉलम अगर मिसमैच होता है तो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। अगर ज़बरदस्ती लगा भी देते हैं तो वो परफेक्ट अलाइनमेंट नहीं होगा। उस परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए मेरे पास एक फ्रेम है, उस फ्रेम को कैसे इंस्टॉल करें, उस फ्रेम के हेल्प से कैसे कॉलम को 90 डिग्री पे लाए और एक ही अलाइनमेंट पे लाए। तो दोस्तों उस फ्रेम को कैसे डिजाइन किया जाता है और क्या क्या कंपोनेंट लगता है उस फ्रेम के बारे में मैं बताऊँगा। उसके साथ साथ कॉलम को कैसे इंस्टॉल करते हैं फ्रेम के हेल्प से, उसके भी बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, अगर बीच में स्किप करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि जो फ्रेम बना रहे हैं फ्रेम में कौन सा सेक्शन यूज कर रहे हैं। एल एंगल ले रहे हैं या प्लेट ले रहे हैं और क्या थिकनेस है वो मैं एक्सप्लेन किया हूँ। दूसरा जो कॉलम को इंस्टॉल कर रहे हैं, कॉलम को 90 डिग्री पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको किस बेसिस पे इंस्टॉल करेंगे, क्या अलाइनमेंट क्या प्रोसेस है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों मेरे वीडियो की तरफ। होता है कि सिंगल कॉलम को होल्ड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा हूँ। जो कंक्रीट जो सिविल का मिक्सचर कॉलम को पाइलिंग कर रहे थे उस समय का, लेकिन उस समय मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इसका बेसिकली क्या यूज होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, डिटेल में नहीं बताया था। तो दोस्तों चलते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये एक स्टैंड है, ये नॉर्मली आप बना सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि इसमें एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, कहाँ पे बिल्ड होना चाहिए, ये नहीं है। ये केवल आप 90 डिग्री पे देख लीजिए, 90 डिग्री पे मेरा कोई कॉलम खड़ा हो जाएगा जिसमें चार फेस में हर एक फेस में दो दो नट बोल्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक फेस में दो नट बोल्ट यूज हो रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये जो कॉलम होता है मिड कॉलम, जो मेन कॉलम होता है, मेन कॉलम को एडजस्ट करने के लिए यूज किया गया है। मैं इसमें एक वीडियो अटैच कर दूंगा जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक पर्सन कैसे इस नट बोल्ट के हेल्प से कॉलम को 90 डिग्री पर एडजस्ट कर रहे हैं। 90 डिग्री पे एडजस्ट होगा तभी मेरा जो सोलर प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो परफेक्ट अलाइनमेंट में आएगा। अदरवाइज एक कॉलम 90 डिग्री पे, एक कॉलम 100 पे, एक कॉलम 110 पे, ऐसे डिग्री पे अगर टिल्ट रहता है तो वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ना तो वो स्ट्रक्चर असेंबल होगा ना ही क्या कहते हैं मॉड्यूल असेंबल कर पाएगा। स्ट्रक्चर भी असेंबल होगा तो वो जिग जैग फॉर्म में रहेगा, ऊपर नीचे नजर आएगा। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है। जो बेस आप देख रहे हैं, बेस जो चार सपोर्ट है वो 500 mm का है, 500 mm लेफ्ट, 500 mm राइट, 500 mm फ्रंट, 500 mm बैक। अब ये तो 500, आप 600 ले लीजिए, 550 ले लीजिए, आप कॉलम के हिसाब से, क्योंकि मेरा जो कास्टिंग हुआ था, फाउंडेशन बना था, उसका जो डाया था वो 300 mm का था, तो इसीलिए 500 mm का लेंथ विड्थ लेके चले हैं नीचे का सपोर्ट का। ये जो हाइट है ये 800 mm हाइट है, 800 के अप्रोक्स है, 850 mm का है। और जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले जो फ्रेम है, मेरा जो कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है आप देख सकते हैं, ये जो कॉलम है ये 180/60/15 2 mm का है, तो उस अकॉर्डिंग ऊपर बनाया गया है। वो 180 नहीं है, ये 200 mm है और वो 100 mm है, 200/100 mm का प्लेट को कट करके लगाएं ताकि मेरा कॉलम इजीली अप डाउन हो सके और उसको एडजस्ट करने में कोई इशू नहीं। आप इसको नॉर्मल एल एंगल दे सकते हैं, प्लेट भी नॉर्मल दे सकते हैं, कोई हेवी सेक्स देने का जरूरी नहीं है। आप 25-25 दो mm का एल एंगल दे दीजिए, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm जो अवेलेबल है आपके पास वो दे दीजिए, 2 mm सफिशियंट है 25-25 दो का। प्लेट भी 2 mm है, 200/100 2 mm, 100/100 2 mm। यहाँ पे जो बोल्ट है
ये आप ये ले लीजिए, नॉर्मल जो बोल्ट आती है पर केजी वो बोल्ट यूज कर लीजिए, क्योंकि ये एक से दो बार यूज होने के बाद ये वेस्टेज हो जाता है। लेकिन हाँ, फ्रेम यूज कर सकते हैं, बोल्ट भी यूज कर सकते हैं, अगर आप आपका कोई अपकमिंग जो आने वाला प्रोजेक्ट होगा उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। हाँ, 2-3 साल बाद ये ख़राब हो जाता है, तो 3 साल के लिए ये टिक नहीं पाता। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वांटिटी में, क्योंकि 2022 में मेरा प्रोजेक्ट फर्स्ट चला था, 2021 लास्ट में, तो उसका कुछ पार्ट डैमेज हो गया था, तो वो यूज नहीं किए। सब देख रहे हैं नया स्टील का बना हुआ है ये। तो इस पे जो कॉलम कनेक्ट होता है वो 90 डिग्री पे परफेक्ट आ जाता है, लेवल भी यूज किया जा कर सकते हैं। तो इसको बोला गया है दोस्तों कॉलम स्टैंड, कॉलम स्टैंड जो कास्टिंग किया जाता है सिविल का, उस समय इसका यूज किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉलम है, कॉलम का जो अलाइनमेंट होता है पाइलिंग के अंदर कॉलम को डालकर, मतलब जो डेप्थ होता है लगभग 1.5 या 1.2 या 1.3, और उसका जो फ्रेम बनाया जाता है उस फ्रेम के अकॉर्डिंग कैसे अलाइनमेंट किया जाता है, आप देख सकते हैं वो प्रोसेस को, अलाइनमेंट करने के प्रोसेस को। यहाँ पे 90 डिग्री पे लेवल लगा के किया जा रहा है, फ्लेंज और वेव साइज को दोनों को चेक किया जाता है। आप दोनों तरफ लेवलिंग देख सकते हैं, दोनों तरफ लेवलिंग को नट बोल्ट उसको टाइट किया जाता है उस फ्रेम में, और उसमें देख रहे हैं दोनों को 90 डिग्री पे करेंगे, ताकि स्ट्रक्चर मेरा जो लगेगा वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा स्ट्रक्चर लगाने के समय में, क्योंकि जो मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है वो यहीं पे है। अगर यहाँ पे परफेक्ट किए तो आगे पूरा परफेक्ट रहेगा, आपका स्ट्रक्चर परफेक्ट रहेगा, अलाइनमेंट मॉड्यूल का अलाइनमेंट सही रहेगा। तो यही है मेन पॉइंट। वहाँ पे देख सकते हैं सिविल मटेरियल्स कॉलम पाइलिंग हो रहा है, आरएमसी की गाड़ी लगी हुई, आरएमसी यहाँ पे बेसिकली फुल फॉर्म होता है रेडी मटेरियल्स कॉन्क्रीट, जिसमें मेरा जो एक आरएमसी में लगभग 57 कॉलम आसानी से फुलफिल हो जाता है वाइब्रेटर चलाने के बाद। वाइब्रेटर से पहले तो 60 चला जाता है, लेकिन वाइब्रेटर चलने के बाद कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि कुछ बबल बन जाती है तो उसके लिए मटेरियल आउट डालते हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि जैसे यहाँ पे मेरा फ्रेम का साइज थोड़ा छोटा हो गया बॉटम तरफ से, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग एक जुगाड़ लगा रखे हैं, दो एल एंगल हैं, दो एल एंगल को पहले लेवल करेंगे, लेवल करने के बाद उस फ्रेम को अटैच कर देंगे, उसमें रख देंगे। यहाँ से भी 90 डिग्री कर लेंगे, 0 डिग्री लेवल पे, पहले तो ज़मीन पे 0 लेवल कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे लेवल लगा दिए हैं। अब नट बोल्ट से एडजस्ट करेंगे कि किधर लेवल मेरा कम रहा है, किधर ज़्यादा, तो उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। दो तीन पॉइंट लगा हुआ है ना, अगर और बेल्डिंग हो जाता दो तीन पॉइंट और सब प्रॉब्लम हुई है। हाँ, वो बेल्डिंग छूट जाता। आजा, इधर आजा, छोड़ इसको पहले। हाँ है, बहुत सारे फ्रेम है, आप वहाँ से ले सकते। यहाँ पे कॉलम, हाँ कॉलम टू कॉलम यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा सा मेरा डिस्टेंस यहाँ पे भाग रहा है तो यहाँ पे कॉलम सेंटर टू सेंटर ले परफेक्ट कर दिए। तो ये होता है प्रोसेस। अब जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस है, मैं यहाँ तक पहला पॉइंट तो था वहाँ पे ऑगरिंग किए हैं, वो ऑगरिंग करने के बाद एक्सटेंशन कॉलम दे रहा, जो मैं बता रहा था एक्सटेंशन कॉलम कौन होता है, ये एक्सटेंशन। ऐसे भी सिविल के अंदर ब्लैक मटेरियल रहे चाहे हॉट डिप रहे, उससे कोई मतलब नहीं बनता है उसको। तो एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने से बढ़िया है कि उसमें ब्लैक मटेरियल ही डाल दें, उसमें हॉट डिप का कोई ज़रूरी नहीं। हॉट डिप करने का कोई ज़रूरी नहीं। ये देख सकते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जहाँ पे सिविल मटेरियल डल रहा है वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ कंक्रीट डालने के बाद भी अलाइनमेंट चेक किया जाता है वाइब्रेटर चलने के बाद भी, ताकि कॉलम एक इधर उधर ना जा सके।
यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मटेरियल कमा है तो मैनुअली डाल दिए। जनरेटर लेके आए हैं, जनरेटर लेके आ रहे हैं, अब इसमें कुछ और मटेरियल लगेगा जनरेटर चलाने के बाद भी। मटेरियल और डलाएगा आगे बढ़ाओ।